हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का दिसंबर 2016 का प्राथमिक स्तर का दोस्तों जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, उसमें आज का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखिएगा क्या है। निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है दोस्तों, पूछा गया है। निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी भिन्न हमसे पूछा गया है। भिन्न दिया गया है 3/2, 4/3, 5/6, 9/7, ठीक है। लगभग इस टाइप का दोस्तों, तकरीबन हर एग्ज़ाम में ये टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा रहता है, या तो ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से सबसे छोटी बड़ी भिन्न को बताइए, या तो फिर इन भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एकदम ईजी है ये, ठीक दोस्तों। तो देखिएगा, भिन्न हमको क्या दी गई है, देखिएगा भिन्न दी गई है 3/2, 3/2, दूसरी है 4/3, 4/3, तीसरी है 5/6, 5/6, और चौथी है दोस्तों 9/7, 9/7। ये भिन्न हमको दी गई है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये हमको पता लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा कि इसका जो हर है 2, 3, 6, 7, हर हर असमान है। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम हर समान करेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 6, 7 का हम क्या लेंगे, लस, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, ठीक है। 2, 3, 6, 7 का हम पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं एलसीएम कितना होगा, 2, 3, 6 और 7 का एलसीएम 1+2, 3, 2 3 6, 7, ठीक है। फिर 3 से काट देंगे, 1, 1, 1, 7, 7 से कट गया पूरा, ठीक है। कितना हो गया, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 21 × 2, 21 × 2 = 42, यानी कि इसका लसा कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया, ठीक है। इसका लसा अब 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका इसमें गुणा हो जाएगा और नीचे 42 हो जाएगा, ठीक है। आइए लिखते हैं, ठीक है, 42, पहले 3/2 का लिखते हैं 42, फिर कितना बार जाएगा दोस्तों, 21, 21 × 3 ऐसे लिख देते हैं, 21 × 3, ये पहले का हो गया, ठीक है। अब 4/3 का लिखते हैं, तो 42, ठीक है, 14 होता है 4, ठीक है, दूसरा हो गया। अब 5/6 वाला लिखते हैं, तो 42 मतलब कि 6, ठीक है, 7, 6 × 7 मतलब 7 × 5, ठीक है। 7 वाला लिखते हैं ऐसे ही, 42, 6 × 9, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ठीक। 21 × 3/42, 14 × 4/42, 7 × 5/42, 6 × 9/42, ये कैसे आया दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। 7 का इसमें भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, उसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। 7 × 6 = 42 × 9, ठीक, समझ गए होंगे, इतना तो आता ही होगा आप सबको, ठीक है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63/42, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम एकदम जीरो से हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये 56 हो जाएगा, 14 × 56 = 42, 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, ठीक। ये भिन्न हो गई दोस्तों, ये भिन्न जो थी हमने हर बराबर किया तब ये बन गई, ठीक।
ठीक है, 63/42, 56/42, 35/42, 54/42, ठीक है। अब हम दोस्तों इसमें अंश, अंश जो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न दोस्तों सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर तो सेम हो गया है, हर तो 42 ही है, ठीक है, दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों, देखिएगा सबसे बड़ा नंबर किसका है, इसमें 63 सबसे बड़ा है, ये 63/42 ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 63/42 सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न इसमें पूछी गई है, तो सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, कितना है 63/42 या ये 63/42 कितना, 3/2 है, या 3/2 दोस्तों, ये यही पूछा गया था, इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये 3/2 सबसे बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसी में एक एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस इनको जो है ना, इनको आरोही क्रम में सजाइए, इन भिन्नों को आरोही क्रम, मतलब जैसे कि छोटे से बड़े क्रम में, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब छोटे से बड़े क्रम में जब हमको सजाना होता है तो उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। तो ऐसे ही दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इस भिन्न को आरोही क्रम में आप सजाइए, तो इसको आइए सजा देते हैं। सबसे छोटी इसमें कौन सी आपको दिख रही है, 35/42 दिख रही है सबसे छोटी, ठीक है, 35/42। अब इससे बड़ी कौन सी दिख रही है दोस्तों, 54/42, ठीक है। अब इससे बड़ी दोस्तों कौन सी है, 56/42 है। अब इससे बड़ी 63/42 है दोस्तों। इस क्रम में भी लगाने के लिए कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप जानते रहिए, इसको ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है, ऐसे इसको निकालते हैं, ठीक दोस्तों। या तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर मान लो 35/42 का कितना था, 35/42 यानी कि 5/6, ठीक है, 5/6 हो गई, ठीक है। इसके बाद 54/42 था, 54/42 मतलब 9/7, ठीक है। इसके बाद 56 था, 56/42 मतलब 5/6, उससे बड़ी सबसे बड़ी 3/2 हमने अभी भी निकाला, ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जामिनर के ऊपर है दोस्तों, चाहे जैसे भी पूछ सकता है, आपको जानना है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।